सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कैसे आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो। तो आपने लिया है नया कनेक्शन या फिर आपका पुराना कनेक्शन है और आपने किया है राउटर को अपग्रेड किया है या फिर चेंज किया है, तो इस केस में आप कैसे अपने राउटर को सेटअप करोगे इस वीडियो में इन डिटेल बताएंगे। तो वीडियो को टिल एंड तक देखिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइज़, आपकी राउटर को टर्न ऑन करना है और आपका जो ONU डिवाइस है या फिर जो मीडिया कन्वर्टर है वहाँ से आपको RJ45 जो केबल है उस केबल को आपको राउटर की VAN पोर्ट पे लगाना है और राउटर के पीछे जो डिफॉल्ट जो क्रेडेंशियल होता है उस पासवर्ड को आपको नोट कर लेना है और आपकी राउटर की जो LAN पोर्ट है वहाँ से आपका केबल आप आपके लैपटॉप या फिर सिस्टम में लगा सकते हो या फिर वायरलेसली आप कनेक्ट कर सकते हो जो 5GHz और 2.4GHz का जो हॉटस्पॉट है वहाँ से आपको बाय डिफॉल्ट जो क्रेडेंशियल है उसको देके आपको कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के बाद आपका कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। हालांकि ये पूरा प्रोसेस आप जो है सेम टू सेम अपने मोबाइल से भी कर सकते हो टीपी लिंक थ्रेडर एप्लीकेशन से। तो इस वीडियो में हम लोग डेस्कटॉप सिस्टम में करेंगे और यहाँ पे ही बताएंगे आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सभी टीपी लिंक राउटर के लिए एक डिफ़ॉल्ट जो है IP होता है, उस IP को आपको एड्रेस बार में टाइप करना है 92.168.01 या फिर आप tplink.net में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो तो आपको एक क्रेडेंशियल यहाँ पे देना होगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है। तो आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे आपको जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है टाइम जोन अपना सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका टाइम जोन, आप जिस टाइम जोन में हो उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप इंडिया से हो तो फिर आपको यहाँ पे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता जो टाइम जोन है उसे आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप ISP या फिर जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसने आपको अगर IP से असाइन कर दिया है तो उस IP को आपको यहाँ पे स्टैटिक IP सिलेक्ट करना है या फिर आप DHCP भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे IP एड्रेस को आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको अगर आपका कनेक्शन अलायंस है या फिर सिटीनेट है तो आपको कस्टमर केयर में फ़ोन करके आपको IP डिटेल्स आपको ले लेना है। तो वहाँ से ही आप लोगों को गाइड कर देगा सबनेट क्या क्या देना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्राइमरी DNS, सेकेंडरी DNS वगैरह सब कुछ जो है वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या फिर आपने जो कनेक्शन लिया है तो उस कनेक्शन का डिटेल्स आपको मेल पे भी फॉरवर्ड किया जाता है। तो उसके बाद आपको जो हॉटस्पॉट होगा तो हॉटस्पॉट का नाम आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने मुताबिक यहाँ पे आपका हॉटस्पॉट का नेम और जो हॉटस्पॉट का नेम यानी कि SSID आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप जो क्रेडेंशियल आप देना चाहते हो उस क्रेडेंशियल आपको यहाँ से दे सकते हो। ये करने के बाद जो है आपको सिंपली जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपकी ISP के जो लॉगिन पेज है वहाँ पे आ जाएगा। तो किसी ISP में ये भी होता है कि आपका राउटर का MAC ID वहाँ से अप्रूव करवाना होता है। तो इस पेज में आने के बाद आपको जो है जो कस्टमर केयर है एलायंस का, तो अगर आपका एलायंस कनेक्शन है तो अगर उस कस्टमर केयर में आपको जो है कॉल करना है तो कॉल करके उनको बोलना है कि आपने नया राउटर लिया है या फिर नया राउटर आप सेटअप कर रहे हो। तो अगर आपने रिसेट किया है तो फिर ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा कनेक्शन, लेकिन अगर नया राउटर है तो वो वहाँ पर नेट एक्सेस नहीं होगा। तो आपको उन कस्टमर केयर को फ़ोन करके आपकी डिटेल्स आपको देके वेरीफाई करना है और उनको बोलना है कि मैंने नया राउटर जो है लिया है, तो वहाँ से अप्रूव करवा दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपके राउटर में इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रन स्पीड टेस्ट करके यहाँ पे राउटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है और यहाँ पे मेरा स्पीड जो है आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है कम्युनिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपको फिर से आना है वही IP एड्रेस पे और यहाँ पे आके आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक राउटर की फेमवेयर में अपग्रेड आया है। तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो अपने फेमवेयर को। यहाँ पे सिंपली अपग्रेड में क्लिक करके आपको सिंपली अपग्रेड में क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो अपना लेटेस्ट अपग्रेड का फाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड के बाद राउटर जो है खुद ही रिबूट में चला जाएगा और उसके बाद फिर से टर्न ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बीच में कहीं पर भी जो है कोई फ्लक्चुएशन ना हो या फिर अपग्रेड होने के टाइम में कोई भी फोर्सफुली उसे टर्न ऑन ना किया जाए।
अगर आप करोगे तो राउटर की हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और आप जो है फिर से जो है आप यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे सिंपली आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को दे के आपको फिर से जो है साइन इन कर लेना है, और आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो आपका जो एडवांस लेवल का अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से एडवांस में जाके आप जो है अपने मुताबिक राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वैसे भी आप इस स्टेट में भी आप राउटर को यूज़ और एक्सेस कर सकते हो, और अपने टीपी लिंक आईडी से भी आप यहाँ पे उसे कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद अपने मोबाइल से भी इसे एक्सेस कर सकते हो। सो गाइज, ऐसे ही कुछ ही इजी स्टेप को फॉलो करके आप अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विथ रेली ऑन।